फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार सिंह आज फिर से आप लोग के बीच आ गया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के अगले पार्ट के वीडियो को लेकर के। और इस पार्ट में भी प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बताने वाले हैं, तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन जैसा कि बोर्ड पे अपीयर होगा, प्रतीत होगा, क्या है क्वेश्चन? तो कहता है ए डीलर गेट्स रुपीज 470 मोर इफ इंस्टेड ऑफ द सेलिंग ऑफ ए टेबल एट ए लॉस ऑफ 10% इट इज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 10%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। टेबल का क्या बतलाना है? कॉस्ट प्राइस। कहता है कि एक डीलर को 470 रुपीज ज़्यादा मिलता है यदि 10% के लॉस के जगह पे 10% के प्रॉफिट में किसी टेबल को बेचता है तब। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले एक टेबल को 10% के लॉस पे बेच दिया। कहता है कि अगर 10% के प्रॉफिट पे बेचता, कितना 10% के प्रॉफिट पे बेचता, तो उसको 470 रुपीज ज़्यादा मिलता। यानी पहले जितना रुपया मिला था उससे 470 रुपीज क्या मिलेगा? ज़्यादा। तो बताइए कुछ टेबल का कॉस्ट प्राइस क्या था? तो टेबल का कॉस्ट प्राइस मेरे को मालूम नहीं था, तो मान लेते हैं कि टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना था जी, तो 100 रुपीज या 100 रुपीज ऐसा कुछ भी मान लेते हैं। तो चलिए एक्स मान लेते हैं कि लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। तो टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना मान लिया? रुपीज एक्स। अब पहले कैसे बेचा था? तो पहले 10% के लॉस पे बेचा था, तो एक बार एसपी निकालेंगे 10% के लॉस पे। फिर उसके बाद क्या होता है कि 10% के प्रॉफिट पे बेचता है तो 470 रुपीज ज़्यादा मिलता है, यानी एक और एसपी निकालेंगे लेकिन वो 10% के प्रॉफिट पे। तो पहले हम एसपी निकालते हैं 10% के लॉस पे, फिर एसपी निकालेंगे, एसपी ही निकालेंगे लेकिन 10% के क्या चीज़ पे? प्रॉफिट पे। देखिए फिर क्या होता है, तो यहाँ पर क्या निकालते हैं? एसपी ऑफ द टेबल एट 10% प्रॉफिट, 10% गेन। तो 10% के गेन पे कितना हो जाएगा भाई? तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है सीपी। लेकिन नहीं, पहले 10% के लॉस पे बेचा तो हम निकालते हैं एसपी ऑफ द टेबल एट 10% लॉस। तो 10% के लॉस पे क्या फॉर्मूला होगा? सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन कितना होता है? 100 होता है। तो अब चलिए क्या हो गया जी, सीपी। तो सीपी कितना रुपीज माने हैं? तो एक्स रुपीज। इंटू 100 माइनस लॉस कितने परसेंट का? 10% का अपॉन 100। आगे अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली आएगा 90x अपॉन 100 आएगा। तो रुपीज, अब एक्स एक्स कटेगा तो फाइनली कितना बचेगा? तो 9x/10। ये हो गया एसपी। टेबल का क्या हो गया? सेलिंग प्राइस, लेकिन 10% के लॉस पे। फिर से सेलिंग प्राइस निकालेंगे लेकिन 10% के क्या चीज़ पे? प्रॉफिट पे। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे? एसपी ऑफ द टेबल एट 10% गेन। तो 10% गेन पे क्या होगा? तो फॉर्मूला क्या होता है जी? तो फॉर्मूला सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ माइनस लॉस परसेंट के जगह पे प्लस प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर सीपी इंटू 100 और प्लस गेन परसेंट अपॉन कितना हो गया? 100। अब सीपी के जगह पे पुट करिए भाई, तो सीपी के जगह पे कितना रुपीज? तो एक्स रुपीज। तो रुपीज एक्स हो गया, इंटू 100 प्लस कितने परसेंट का गेन? 10% का अपॉन 100। तो ये जोड़ने पे 110x/100 कितना आएगा जी? 110x/100 आएगा, 1010 कटेगा तो फाइनली आ जाएगा रुपीज 11x/10 आ गया। अब ये 11x/10 ये भी एसपी है लेकिन 10% के प्रॉफिट पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले 10% के लॉस पे बेचा लेकिन 10% के प्रॉफिट पे बेचते, 10% के प्रॉफिट पे बेचते तो 470 रुपीज़ ज़्यादा मिलता। तो ज़्यादा मिलने का सेंस क्या है कि पहले जितना बेचे थे उससे ना 470 रुपीज़ ज़्यादा भाई। यानी नया वाला जो सेलिंग प्राइस है वो इनिशियल सेलिंग प्राइस से 470 रुपीज़ क्या है? ज़्यादा है। नया वाला सेलिंग प्राइस पुराने वाले सेलिंग प्राइस से 470 रुपीज़ क्या है? ज़्यादा है। ये बात क्लियर होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नया वाला सेलिंग प्राइस कितना है जी? तो नया वाला सेलिंग प्राइस 11x/10 है। पहले जो 10% के लॉस पे बेचा था वो सेलिंग प्राइस कितना है जी? तो 9x/10 कितना है? 10 है। तो नया वाला जो सेलिंग प्राइस है वो पहले वाला सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा 470। तो नया वाला में पुराना वाला को घटाएंगे तो कितना ज़्यादा है उसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगा? 470 के बराबर। अब यहाँ पर 10 का एलसीएम लेने के बाद 10 रह जाएगा और उधर 11x माइनस क्या हो जाएगा? 9x हो जाएगा, इक्वल टू 470। अब उसके बाद यहाँ पर बचेगा 2x अपॉन 10 इक्वल टू 470 आ गया। अब 2 से कट गया ये 5 और 5 जाके उधर मल्टीप्लाई होगा, तो देयरफॉर x बराबर 470 इंटू 5।
तो x इक्वल टू कितना आ गया जी, तो x इक्वल टू अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 7 5 35, बाकी हाथ में 3 और 5 4 20 और 3 23 आ गया, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 2350 आ गया, x इक्वल टू कितना आ गया 2350 आ गया। तो वो हमको पूछ क्या रहा था इसमें, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल, और टेबल के कॉस्ट प्राइस को हम लोग क्या माने थे x, तो x का जो वैल्यू आया वही हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या चीज कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल, ऑफ द टेबल, तो टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया रुपीज x, और वैल्यू कितना है x का जी, तो 2350, यानी कि उस टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना है जी, तो 2350 रुपीज है। अगर इसी क्वेश्चन को आप आसानी से बनाना चाहते हैं कि सर हमको इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी मेथड से बनाना है, तो अगर इस क्वेश्चन को आप इजी मेथड से बनाना चाहते हैं तो इसका सिंपल सा फंडा एक है कि अगर हमेशा कॉस्ट प्राइस को 100% मान के चलते हैं, कॉस्ट प्राइस को क्या मान के चलते हैं जी, हमेशा 100% मान के चलते हैं, तो कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100% माना जाता है, तो अब सेलिंग प्राइस डिपेंड करता है कि वो कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है या कितना परसेंट का लॉस। तो सीपी को अगर किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस खरीदने वाला दाम को 100% मानते हैं, तो हम बोल रहे हैं अगर 10% का प्रॉफिट हो रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि किसी चीज़ को बेचे और 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा, तो एसपी जो हो जाएगा 10% का प्रॉफिट, तो जितना परसेंट का प्रॉफिट होगा वो 100% से उतना ऊपर जाएगा, जितना परसेंट का लॉस होगा वो 100 से उतना परसेंट क्या आएगा नीचे आएगा, तो एसपी कितना आ जाएगा 110%। और एक था क्या चीज़, 10% के लॉस पे, पहले 10% के लॉस पे बेच रहा था ना, तो यानी पहले वाला एसपी कितना हो जाएगा, तो पहले वाला जो एसपी हो जाएगा वो 10% के लॉस पे, यानी 100 से वो नीचे जाएगा, तो 100 से 10 नीचे करेंगे तो 90%, और दूसरा वाला एसपी में क्या हो रहा था प्रॉफिट हो रहा था 10% का, यानी वो एसपी 110% के बराबर है। तो इस क्वेश्चन को भी बनाने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात क्या जानना है, तो ये जानना है ना कि सीपी हमेशा 100% मानेंगे और जितना परसेंट का गेन होगा वो 100 से उतना परसेंट ऊपर कर देंगे तो एसपी आ जाएगा, अन्यथा लॉस हो रहा है तो 100 से उतना परसेंट कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा एसपी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर दो दो एसपी का ज़रूरत पड़ गया, पहले 10% के लॉस पे बिका था, फिर 470 ज़्यादा में बिकता तो यहाँ पर 10% का गेन हो जाता, यानी दोनों एसपी के बीच का अंतर कितना है, तो दोनों के एसपी के बीच का अंतर 20% का है, कितने परसेंट का है 20% का है, लेकिन क्वेश्चन में रुपया में बताया है कि 470 रुपी ज़्यादा में बिकता, तो भाई 470 रुपी ज़्यादा में बिकता इसका क्या सेंस निकला, यानी दोनों पहले जितना बिका था उससे 470 ज़्यादा, यानी दोनों एसपी के बीच का अंतर वहाँ पर कितना बता रहा है 470 रुपीज़ बता रहा है। तो हम लोग परसेंटेज के अकॉर्डिंग दोनों एसपी के बीच का अंतर निकाले तो 20% आया, और क्वेश्चन बता रहा है उसके अकॉर्डिंग दोनों एसपी के बीच का डिफरेंस कितना आया जी 470 रुपीज़ आया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 470 रुपीज़ है, ये 470 रुपीज़ जो है वो कई परसेंट के बराबर है 20%, क्योंकि हम परसेंटेज में डिफरेंस निकाले तो 20 आया, क्वेश्चन बता रहा है उसका वैल्यू का डिफरेंस कितना दोनों के सेलिंग प्राइस का, तो 470 रुपीज़ है, तो एसपी का डिफरेंस ये भी है, एसपी का डिफरेंस यही, यानी कह सकते हैं 20% जो है किसके इक्विवेलेंट है, तो 470 रुपीज़ के इक्विवेलेंट है। तो अब 20 को इसको 20 से डिवाइड कर दिए, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू 20% के बराबर था, अब कितना परसेंट आ गया 1%, अब 1% आ गया, लेकिन मेरे को चाहिए क्या चीज़, कॉस्ट प्राइस, क्या चाहिए कॉस्ट प्राइस, तो 1% का अगर आप वैल्यू जान गए तो कॉस्ट प्राइस होता कितना है 100%, कितना होता है जी 100%, तो इसको 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डायरेक्ट क्या निकल जाएगा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। अब 20 से इसको कट करिए 5 आ गया, 5 से मल्टीप्लाई करिए तो रुपीज़ कितना आ रहा है 2350 आ रहा है, यानी 2350 रुपये आ रहा है अभी भी कॉस्ट प्राइस। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर परसेंटेज में गेन परसेंट या लॉस परसेंट दिया हुआ रहे तो सिंपल सा फंडा है, हम परसेंट के अकॉर्डिंग इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, और भी आगे बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप का आएगा जिसमें हम आपको बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मनीष सोल्ड ए वॉच एट 5% लॉस, हैड ही सोल्ड इट फॉर रुपीज 104 मोर ही वुड हैव गेन्ड 8%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड द फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच। कहता है मनीष एक घड़ी को बेचा 5% के लॉस पे, यदि वह बेचता 104 रुपीज़ ज़्यादा में, जितना में बेचा था उसे 104 रुपीज़ ज़्यादा में अगर उसको बेचे होते तो ही वुड हैव गेन 8%, तब उसको 8% का गेन हो जाता, यानी जितना में बेचा
वो तो पहले 5% का लॉस हुआ था, लेकिन अगर जितना मैं बेचा था उससे 104 रुपीज़ ज़्यादा मैं बेचता तो उसको 8% का क्या हो जाता, प्रॉफिट हो जाता। तो बताइए कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या है और फाइनल सेलिंग प्राइस यानी लास्ट वाला सेलिंग प्राइस बताइए। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस मेरे को मालूम नहीं है, तो उस बाच का जो है कॉस्ट प्राइस हम कितना मान लेते हैं, रुपीज़ एक्स। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच, कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच, तो वॉच का कॉस्ट प्राइस कितना मान लेते हैं, रुपीज एक्स। अब पहले क्या बेचा था, 5% के लॉस पे, पहले कैसे बेचा था भाई, 5% के लॉस पे। तो एक बार एसपी निकाल देंगे 5% के लॉस पे, एक बार एसपी निकाल देंगे फिर 8% के गेन पे, यानी पहले 5% का लॉस हुआ था, फिर अगर एक 104 रुपीज़ में ज़्यादा में बेचते तो 8% का गेन होता था, यानी दोनों एसपी निकालेंगे, एक वो 5% के लॉस वाला तो एक वो 8% के प्रॉफिट वाला। तो यहाँ पर क्या निकालते हैं, एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच, एसपी ऑफ द वॉच एट 5% लॉस। तो 5% के लॉस पे एसपी क्या था भाई, तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन क्या होता है, 100 होता है। तो सीपी कितना रुपीज है यहाँ पर, तो सीपी एक्स रुपया है इंटू 100 माइनस लॉस, तो कितने परसेंट का लॉस हो रहा है जी, तो 5% का, तो 5 अपॉन कितना हो गया, 100। फाइनली यहाँ पर जब हटाएंगे तो 95x अपॉन 100 आएगा एसपी, 95x अपॉन 100 आ गया। तो ये एसपी आया, लेकिन ये 5% के क्या चीज़ पे आया, लॉस पे आया। अब एक एसपी और निकालना है, सेलिंग प्राइस और निकालना है, लेकिन वो 8% के क्या चीज़ पे होगा, गेन पे होगा। तो अब क्या निकालेंगे, एसपी ऑफ द वॉच, एसपी ऑफ द वॉच एट 8% गेन, एट 8% गेन, 8% के गेन पे। तो गेन पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो सीपी इंटू 100 और उसके बाद प्लस गेन परसेंट इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो सीपी कितना है भाई, तो सीपी यहां पर दिया हुआ है कितना रुपीज, एक्स रुपीज, और उसके बाद इंटू 100 प्लस कितना परसेंट का गेन होना है, 8% का अपॉन 100। तो फाइनली कितना आ जाएगा, रुपीज 108x बाई 100 आ गया। तो ये आ गया सेलिंग प्राइस, लेकिन 8% के गेन पे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 104 रुपीज ज़्यादा में बेचते तो 5% के लॉस के जगह पर ना 8% का क्या हो जाता है, गेन। तो इससे क्या पता चला कि दोनों सेलिंग प्राइस का, दोनों बेचने वाला कॉस्ट का डिफरेंस कै रुपया है, 104 रुपया है, 104 रुपीज है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो यहाँ पर गेन वाला कौन है भाई, 108x बाई 100 आ गया, ये भी सेलिंग प्राइस है, और ये 95x बाई 100 ये भी सेलिंग प्राइस है। लेकिन ये दोनों सेलिंग प्राइस में ये प्रॉफिट वाला है तो ज़्यादा होगा, ये लॉस वाला क्या है, कम होगा। तो दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस करेंगे तो 104 के बराबर आना चाहिए। अब यहाँ पर 100 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 100। अब 100 से डिवाइड करेंगे तो 108x, और इस 100 से डिवाइड करेंगे तो 95x इक्वल टू 104 हो गया। अब यहाँ पर घटाएंगे तो घटाने के बाद क्या बचेगा जी, तो घटाने के बाद 13x बचेगा, तो 13x बाई 100 इक्वल टू कितना आ गया, 104 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर हमको x का वैल्यू चाहिए, तो therefore x इक्वल टू क्या आएगा, तो 104। अब मन्ने को x का वैल्यू चाहिए तो ये 100 डिवाइड में है, तो बराबर वो साइड जा कर के मल्टीप्लाई होगा, और 13 मल्टीप्लाई में है तो उधर जा कर डिवाइड होगा, और उसके बाद 13 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 8 × 100 बोले तो 800 आ गया, ये x का वैल्यू आ गया। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा था, कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल, क्या पूछा जा रहा था, कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल, तो सीपी ऑफ द वॉच इक्वल टू क्या था जी, तो सीपी ऑफ द वॉच इक्वल टू क्या माने थे, रुपीज एक्स, बराबर रुपीज कितना आ गया, 800 आ गया। लेकिन फिर पूछा था फाइनल सेलिंग प्राइस भी बताइए, क्या बताइए, फाइनल सेलिंग प्राइस। तो भाई फाइनल सेलिंग प्राइस कितना था, 108x बाई 100 था ना, तो फाइनल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच, तो वॉच का फाइनल सेलिंग प्राइस कितना था जी, तो फाइनल सेलिंग प्राइस था रुपीज 108 बाई 100 और x था, तो x का कितना कर दिए भाई,
x का वैल्यू कितना आ गया 800, तो 800 से मल्टीप्लाई कर दिए, दो जीरो कट गया, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीज 864 आएगा और यही हो जाएगा फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच। तो उम्मीद करते हैं कि इतना में लॉस में बिका, इतना ज़्यादा में बेचता तो इतना का गेन होता। इस टाइप के क्वेश्चन में पहले सीपी मानिएगा, फिर एसपी एगो पहला प्रॉफिट लॉस जो भी हो रहा है उस पर निकालिएगा, फिर एक और एसपी निकालिएगा दूसरा जो भी प्रॉफिट लॉस पे हो रहा है निकालिएगा, और दोनों एसपी का डिफरेंस करेगा तो एक्सीड या लेस यानी ज़्यादा या कम जो है ना उसके डिफरेंस के बराबर आएगा। तो उसके बाद उससे कैलकुलेट होने से क्या निकल जाएगा, एक्स, और एक्स निकल जाएगा तो जनरली एक्स को ही तो कॉस्ट प्राइस मानते हैं ना, तो जितना एक्स का वैल्यू आएगा वही हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। जैसे इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच कितना हो गया जी, तो वॉच का कॉस्ट प्राइस आ गया आपका कितना 800 आ गया। तो अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है हरी सोल्ड ए बाइसाइकिल एट 8% गेन, हैड इट बीन सोल्ड ₹4.75 मोर द गेन वुड हैव बीन 14%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल। यानी कहता है हरीश एक बाइसाइकिल को 8% के गेन पे बेचता है, यदि इसको बेचा जाता ₹75 ज़्यादा में, पहले 8% के गेन पे बेच दिया लेकिन यदि ₹75 ज़्यादा में बेचते तो जो प्रॉफिट होता है वो 14% हो जाता है, पहले 8% का हो रहा था अब कितने परसेंट का प्रॉफिट होने लग जाएगा 14% का। तो यहाँ पर क्या कहता है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल, किसका बाइसाइकिल का कॉस्ट प्राइस बताइए। तो यानी यहाँ पर क्या हुआ कि बाइसाइकिल को पहले 8% के गेन पर बेच दिया था, 8% के गेन पे क्या किया था, बेच दिया था, लेकिन कहता है कि यदि ₹75 मोर में बेचा जाता, ज़्यादा में बेचा जाता तो प्रॉफिट जो है 8% से बढ़ के 14% हो जाता, कितना हो जाता 14% हो जाता। तो बताइए कि उस बाइसाइकिल का कॉस्ट प्राइस क्या है, तो कॉस्ट प्राइस हमको बाइसाइकिल का बतलाना है तो बहुत ही आसानी से हम इसको बना सकते हैं। मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल, कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल, तो बाइसाइकिल का कॉस्ट प्राइस कितना मान लेते हैं रुपीज एक्स, कितना मान लिए रुपीज एक्स। अब निकालेंगे एसपी, तो पहले 8% के गेन पे बेचा ना, तो एसपी 8% के गेन पे, ₹75 ज़्यादा में बेचता तो 14% का प्रॉफिट हो जाता, तो एसपी फिर 14% के भी प्रॉफिट पे क्या करेंगे निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, एसपी ऑफ द बाइसाइकिल, एसपी ऑफ द बाइसाइकिल एट 8% गेन, तो 8% के गेन पे कितना हो जाएगा एसपी भाई, तो फॉर्मूला क्या होता है सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 होता है। तो सीपी कितना है, तो सीपी रुपीज एक्स है इंटू 100 प्लस 8% का गेन बोल रहा था ना, तो 8 हो जाएगा तो फाइनली रुपीज कितना आएगा, तो जब आप घटाएंगे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 108x अपॉन 100 आ गया। और फिर निकालेंगे एसपी, लेकिन अबरी एसपी कितने के गेन पे निकालेंगे, तो एसपी ऑफ द बाइसाइकिल निकालेंगे लेकिन अबरी जो निकालेंगे भाई वो 14% का गेन पे होगा, एट 14% गेन, तो 14% के गेन पे कितना आ जाएगा, तो 14% के गेन पे आ जाएगा सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन कितना हो जाएगा 100। तो अबरी सीपी कितना है, तो सीपी तो भाई एक्स रुपीज ही है ना, लेकिन गेन परसेंट इस बार 14 है अपॉन कितना हो गया 100 हो गया, तो कैलकुलेट करेंगे तो रुपीज 114x बाई 100 आ गया, रुपीज 114x बाई कितना आ गया 100 आ गया, तो ये निकल गया सेलिंग प्राइस। अब क्या कहता है, 75 रुपीज़ ज़्यादा में बेचते, यानी दोनों सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस कई रुपया है, 75 रुपीज़ ज़्यादा में बेचते, इसका सेंस वही ना हुआ भाई कि पहले जितना बेचे थे उससे 75 रुपीज़ ज़्यादा, तो बेचे यानी सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस 75 रुपीज़ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले 14% के गेन वाला कितना है जी, तो 114x बाई 100 है, और उसके बाद पहले 8% के गेन पे बेचता था तो 108x बाई 100 है। अब दोनों सेलिंग प्राइस का अगर डिफरेंस करेंगे तो 75 रुपीज़ के बराबर आएगा। अब कैलकुलेट करेंगे तो 100 का एलसीएम 100 हो जाएगा और ऊपर नॉर्मली घट जाएगा 114x माइनस 108x इक्वल टू 75, घटाने के बाद कितना बचेगा, तो 6x बाई 100 इक्वल टू 75, तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना आएगा, तो 75, और ये 100 डिवाइड में है तो बराबर को वो साइड जाने के बाद मल्टीप्लाई होगा और 6 से क्या हो जाएगा डिवाइड,
3 के टेबल से 2 तो 3 के टेबल से 25, 2 के टेबल से 100 को काटे तो 50 आ गया, तो 25 × 50 x इक्वल टू 1250 आ गया। तो हमसे पूछा क्या जा रहा था, कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल, बाइसिकल का क्या बताइए, कॉस्ट प्राइस बताइए, खरीदने वाला कॉस्ट बताइए। तो वो क्या माने थे, तो द सी पी ऑफ द बाइसिकल, सी पी ऑफ द बाइसिकल, तो बाइसिकल का सी पी कितना माने थे, रुपीज एक्स माने थे, बराबर रुपीज कितना आ गया, 1250 आ गया, 1250 आ गया, यानी 1250 रुपया में बाइसिकल को ख़रीदा गया होगा। तो अब उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन कि पहले इतना परसेंट के लॉस या प्रॉफिट पे बेचा, यदि इतना ज़्यादा में बेचे होते तो इतना परसेंट का गेन हो जाता या इतना परसेंट का लॉस हो जाता, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो पहले सी पी मान करके एस पी पहला गेन या लॉस के अकॉर्डिंग निकाल दीजिए, फिर दूसरा गेन या लॉस के रूप में निकाल दीजिए, और वो दोनों एस पी के बीच का डिफरेंस करेंगे तो हाउ मच मोर या हाउ मच लेस के बराबर हो जाएगा, और कैलकुलेट करने से फिर एक्स निकल जाएगा, और जिससे आप आसानी से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा सारा अपडेट्स आपको मिलते रहे। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे।